Hey guys, good morning. Welcome to my another vlog. कैसे हैं आप लोग? ये सारा एक ही फ्लो में हो जाता है ना, मुझे भी कई बार बुरा लगता है. और कुछ काम था तो मैं थोड़ा बाजार जा रही हूँ. उठ तो जाती हूँ, कई बार नींद नहीं आती है यार. फिर कभी कभी फिर नाश्ता करने के बाद फिर आंख लग जाती है. और जो एसी तो आजकल बंद हो गया, जिस दिन से बारिश हुआ है 2-3 दिन पहले ही एसी बंद हो गया है. तो ठंडी ठंडी हवा अभी थोड़ी अच्छी लग रही है और उसी हवा में दोबारा से नींद लग जाती है. बाकी कैसे हैं आप लोग? कल मैंने फिश खाया था ना, तो वो कुछ मजे वाली बात रही नहीं. क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे इधर से है ना पूरा टेस्ट वही आ रहा है अभी तक, तो मेरे को लग रहा है इधर सारा वो पड़ा हुआ ही है. तो बड़ा अजीब सा लगता है, कई बार बहुत परेशान होती हूँ इन चीज़ों से ना. तो मुंह का टेस्ट चेंज करना है तो कुछ ऐसा चीज़ खाना पड़ेगा जो उसको मैं भूल जाऊँ. और बड़े मन से बनाई थी, और मन से बनाई थी और नमक भी कम हो गया उसमें. इतना मूड ख़राब हुआ ना कल, मैं बता नहीं सकती. खाना बनाना असल में मैं भूल गई हूँ. मुझसे दाल तक नहीं बन रही है आजकल, इतना बुरा हाल है. क्योंकि मैं ध्यान से बनाती नहीं हूँ. और दाल तो खैर उबली हुई होती है, उसमें तड़का लगाओ हल्का सा चल जाता है. तो आप लोग ये मत सोचना कि मुझे खाना बनाना आता नहीं है. आता है, लेकिन ध्यान नहीं देती हूँ. क्योंकि मैं सोचती हूँ एक रोटी तो खानी है, चलो कुछ भी खा लो, ऐसा होता है. और बाकी सब बिजी होंगे, 2 दिन छुट्टी मिल गई है, करवा चौथ कर रहे होंगे सारे. चलो आप लोगों को भी व्रत करना चाहिए, घर वाले अगर आपके लिए व्रत करते हैं तो आपको भी उनका साथ देना चाहिए. और 2 दिन छुट्टी मिल गई है, 2 दिन आराम से सोएंगे. क्योंकि खाना बन नहीं रहा होगा तो आप खाएंगे नहीं, तो खाने की भी छुट्टी हो जाएगी. सोना ही सोना है दोनों दोनों दिन. तो खुश रखिए बाकी उन लोगों को भी, घर वालों को भी, क्योंकि उनकी खुशी सबसे पहले है, बाकी खुशियां बाद में, घर वालों की खुशी सबसे पहले है. और मेरा मुंह का टेस्ट हो रहा है ख़राब, अभी बाहर देखती हूँ जाके क्या खाऊंगी. आप भी सोच रहे होंगे बाहर का खाना बहुत खाती है. नहीं, बाहर का नहीं खाती हूँ. बाहर का क्या खाती हूँ, कई बार आपको दिखा दिया मैंने, इडली खाती हूँ या छोले कुलचे खाती हूँ. भटूरे नहीं खाती, कुलचे खाती हूँ, जो बिना तेल वाला जो होता है, और उबले हुए चने होते हैं वो खाती हूँ, ताकि नुकसान नहीं करे. मेरे यहाँ पे ना बहुत जलन सा हो जाता है तो मैं खा नहीं पाती हूँ. और बाकी ज़्यादा कुछ खास तो काम है नहीं, तो अभी मैं जा रही हूँ. देखिए किस साइड में जाती हूँ, एक खाने वाला उधर एक खाने वाला उधर है, तो दोनों में से चक्कर कौन सा लगता है वो देखती हूँ. कि मुझे जो पास पड़ेगा, गाड़ी का हैंडल जिधर घूम जाएगा ना उधर मैं चली जाऊँगी खाने के लिए, आज मैंने ये सोचा हुआ है. और आधे रास्ते में अगर बहुत तेज भूख लग गई तो जो पहले पास वाला होगा ना पहले उसको खाऊंगी. बाकी मैंने फिश कल बनाया, मेरा एक्सपीरियंस कोई अच्छा नहीं रहा, बहुत दिन हो गए थे बनाए हुए. चलो मैं उसको याद नहीं करना चाहती. चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में. और घर आओ ना फॉर मूवी 2021 इज अ स्पेशल स्पेशल मैंने खा लिए सॉन्ग टू मी छोले कुलचे. मैंने सोचा इडली खाती हूँ ना तो बहुत ज्यादा हैवी हो जाता है, क्योंकि मैं सांबर खा लेती हूँ बहुत सारा. बस होगा कितना, 3-4 किलोमीटर तो होता ही है जहां मैं आती हूँ खाने के लिए. भूख के लिए सब कुछ करना पड़ता है ना. और वैसे भी जब हम लोग फ्रेंड्स इकट्ठे होते थे तो कई बार तो नॉनवेज की जगह ढूंढते थे कि कहाँ अच्छा मिलता है, चलो वहां पे चलते हैं. कई बार नॉनवेज खाने के लिए हम लोग दिल्ली हाट चले जाते थे. अभी तो बहुत दूरी बन गई है, फ्रेंड्स तो रहे नहीं अब, तो अब पास में ही देखती हूँ. क्योंकि अब वो खाने वाला टेस्ट भी नहीं रहा, 4-5 साल पहले जो टेस्ट था वो टेस्ट भी नहीं रहा. तो अब आसपास ही जो हल्का फुल्का होता है उसी को ढूंढती हूँ खाने के लिए. चलिए अब घर जाके बहुत सफाई करनी है मुझे.
आज फाइनली मैंने क्या बनाया है, देखो बताओ ये क्या है। मैं लिखूंगी नहीं क्या बना रही हूँ, आपको बताना है। मैं दोपहर को लंच करके आई थी बाहर, फिर आगे सो गई थी, एक घंटा ही सो पाई होंगी। फोन वोन बजने लग जाता है ना तो फिर सोया नहीं जाता, या तो मैसेज बजने लग जाएंगे या फोन बजने लग जाएगा। फिर मैंने अभी कुछ बनाया है, अगर आपको वो समझ में आ रहा है तो आप बताइएगा मैंने क्या बनाया है। और 8:30 बजे खाना खा लेती हूँ ना, तो आज मैं घर पर ही थी तो फिर मैंने जल्दी प्रिपेयर कर लिया कि बना के रख देती हूँ, टाइम पे खा लूँगी। 8:30 बजे खाना होता है, मैं डाइट चार्ट के हिसाब से खाती हूँ तो 8:30 खाना खा लेती हूँ। तो आप लोग बताइएगा मैंने ये क्या बनाया है, अगर आपको पता लगे तो, नहीं पता लगेगा तो मैं कल बता ही दूँगी आपको। मैसेज करके बताइएगा मैंने क्या बनाया है, और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अच्छा लगे तो भी, नहीं भी अच्छा लगे तो भी। आप लोगों को ही बोल सकती हो ना सब्सक्राइब करने के लिए। और मैं सोचा था कहीं जाने के लिए लेकिन जा नहीं पाई, इतनी गंदी वाली धूप हो रही थी, लग ही नहीं रहा है कि अभी कुछ दिन पहले बारिश हुआ था और अभी एसी हमने बंद किया है। 3 दिन पहले बारिश हुआ था शायद, तो अभी 3 दिन पहले ही मैंने अभी एसी बंद किया है। तो खिड़की खुला रखती हूँ ना तो फिर इतनी ठंडी हवा आती है ना, बहुत ठंडी हवा, फिर भी पतली सी कंबल लेके तो सोना ही पड़ रहा है। चलिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, देखती हूँ कौन कौन सब्सक्राइब करता है, मुझे पता लग जाएगा। चलिए बाय बाय।